अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर अबर्ना सादून, आई एम रेडियोलॉजिस्ट और मैंने अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस विद द नेम ऑफ माय क्लिनिक अलनिसा के साथ मैंने काम शुरू किया है। अलनिसा के नाम से काम शुरू किया है। 10 इयर्स मैंने डॉक्टर्स हॉस्पिटल में एज हेड ऑफ़ द रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट काम किया है और उसके बाद मैंने अलनसर में अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस की है, अलनसर डायग्नोस्टिक्स में 8 इयर्स। अब मैं अपना प्राइवेट जो सा है वो मैंने सेटअप किया है अलनिसा के नाम से, जहाँ पर कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी अवेलेबल है और मैं फीमेल्स को ही देखती हूँ, फीमेल्स का ही अल्ट्रासाउंड जो सा है वो मैं करती हूँ। और इसके अलावा जो सा है हर तरह का अल्ट्रासाउंड जो सा है हम वहाँ पे करते हैं कलर डॉपलर में। और साथ में हमने ब्रेस्ट क्लिनिक का भी काम शुरू किया है जिसमें ब्रेस्ट स्क्रीनिंग जो सी है दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट दिस टाइम, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर इज़ वेरी कॉमन और जिसके लिए हम ये ब्रेस्ट स्क्रीनिंग का जो सा है वो शुरू कर रहे हैं। हमारा जो अल्ट्रासाउंड से रिलेटेड चीज़ें हैं उसमें हर तरह का अल्ट्रासाउंड किया जाता है, कलर डॉपलर में भी किया जाता है, सब कुछ। कलर डॉपलर मशीन लगाई है जिसमें 3D 4D की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं और हम पेट का और गाइनी ऑप्स का और चेस्ट का, ब्रेस्ट का, लेग्स का, नेक का, हर तरह का जो सा अल्ट्रासाउंड जो सा वो किया जाता है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, बीइंग अ फीमेल, मैं ये समझती हूँ कि हमारे यहाँ जो सा है ब्रेस्ट कैंसर जो सा है वो बहुत कॉमन है। 9 में से एक खातून जो सी है वो ब्रेस्ट कैंसर का शिकार होती है पाकिस्तान में, तो इसलिए ये मैं समझती हूँ कि ये बहुत ज़रूरी था कि लोग खवातीन को इस बात की आगही हो और उनकी स्क्रीनिंग और उनका डायग्नोस्टिक वर्कअप जो है ना वो प्रॉपर होना चाहिए। इसलिए मैंने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है कि ब्रेस्ट क्लिनिक के लिए कि फीमेल्स आएं और उनको मैं उनका सेल्फ एग्जामिनेशन और उनको क्या बिफोर हैंड क्या करना चाहिए, क्या उनकी प्रिकॉशंस होनी चाहिए और उसके बाद अगर उनको क्या अगर कोई फील होता है, लम्प फील होता है, तो उसके लिए क्या उनको फर्दर काम करना है। फीमेल्स के लिए जो सा है सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है एक फ़ीमेल डॉक्टर का होना जो सा है वो बहुत ज़रूरी है और अगर फ़ीमेल रेडियोलॉजिस्ट की फैसिलिटी अवेलेबल हो तो फीमेल्स जो सी हैं वो कंफर्टेबल फील करती हैं एक फ़ीमेल के साथ। और इसमें जो सा है स्पेशली गायनी और ऑप से रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ हैं उनको हम देखते हैं और इसमें ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड का भी फैसिलिटी जो सी है वो अवेलेबल है और जिसमें फ़ीमेल्स का जो है वो रिलक्टेंट होती हैं मेल के पास जाने के लिए और उसमें हम उनको जो है अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं और कंफर्ट उनको दे सकते हैं और इस तरह से उनको अपनी मुख्तलिफ जो डिजीज़ हैं गायनी ऑप से रिलेटेड उनको प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मेरा ख्याल में कि ये फीमेल के लिए जो सा है एक बहुत अच्छा है कि वो एक फ़ीमेल से ही करवाएं, फ़ीमेल रेडियोलॉजिस्ट से। ऑल दो आई नो कि फ़ीमेल रेडियोलॉजिस्ट जो सी हैं वो कम है और फीमेल्स जो सी होती हैं दे आर मच मोर कंफर्टेबल विद फीमेल डॉक्टर। मरहम के थ्रू आप मेरी अपॉइंटमेंट्स जो सी हैं वो ऑनलाइन कर सकते हैं और इनसे बुकिंग कर सकते हैं। मेरी क्लिनिक का नाम अलनिसा अल्ट्रासाउंड एंड ब्रेस्ट क्लिनिक है और आप मरहम के थ्रू इसको अप्रोच कर सकते हैं।